हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे ढेरों सारे जुनून और मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन से मैं आपके लिए बहुत सारे और बहुत अच्छे वीडियोस लेके आता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था, असम रेफर का जब फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा उसके बारे में, और आज नोटिफिकेशन आ चुका है, 26 जून है, और मैंने आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 26 जून को असम रेफर अपना फुल नोटिफिकेशन रिलीज करने वाली है, और आज से आप लोग का अप्लाई स्टार्ट हो गया है। आज 26 जून है और आज से आप लोग का अप्लाई स्टार्ट हो गया है। 26 जुलाई तक आपका अप्लाई चलने वाला है, 1 मंथ असम रेफर स्पोर्ट्स मैन रिक्रूटमेंट रैली का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होने वाला है, 1 मंथ चलने वाला है। 26 जुलाई इसका लास्ट डेट है। अगर हम इसकी डेट की बात किया जाए तो जो रैली होने वाले 24 अगस्त ऑनवर्ड से होने वाली है। अगर कोविड पेंडेमिक सिचुएशन ज्यादा होता है तो ये असम रेफर साफ साफ बता दिया है कि वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं या वो लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट रैली का। अगर हम इस स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो जो असम रेफर रखने वाली है, जो रख चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्चरी, कराटे, टाइकोंडो, जूडो, फेंसिंग, वुशू, फुटबॉल, ये सब स्पोर्ट यहाँ पर रख चुकी है असम राइफल। इसमें मेल के लिए 2 वैकेंसी खाली है, फीमेल के लिए 6 है, टोटल 8 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑल ओवर अगर हम लोग देखते तो 131 वैकेंसी खाली है इस असम राइफल स्पोर्ट्समैन क्वार्टर रैली के भर्ती के लिए। अगर लेवल ऑफ सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं लेवल ऑफ सर्टिफिकेट क्या क्या मांगा है। यहाँ पे प्लेयर्स हुए पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर्न यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंट ड्राइव, ये सब सर्टिफिकेट जो असम रेफर ने मांगा, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना पड़ेगा। इससे कोई भी एक होने से या दो होने से आप लोग को इस रैली में आप पार्टिसिपेट करने आपको मिल जाएगा। अगर एज की बात किया जाए तो जो जनरल ड्यूटी की पोस्ट है वो 18 to 23 है। ओबीसी के लिए 5 साल का छूट है, एज रिलैक्सेशन और 10 ईयर्स छूट है एससी एसटी के लिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेट्रिकुलेशन पास अगर आप है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज लिमिट हम लोग जनरल ओबीसी के लिए देखते हैं तो अगर 1 अगस्त 1993 और 1 अगस्त 2003 के बीच में आप जन्म हुए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब फिर एससी एसटी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 1 अगस्त 1988 और 1 अगस्त 2003 के बीच में आप जन्म हुए तो एससी एसटी के लिए आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन फोर्स से मानी जाती है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं www.assamrifle.gov.in से। ये है ऑफिशियल वेबसाइट असम राइफल का। अगर हम इस एप्लीकेशन फी की बात किया जाए तो 100 रुपीज है जनरल ओबीसी के लिए, और नो फी विल बी चार्ज फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। फिर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नो फी है, एक भी फीस देना नहीं पड़ेगा जब अप्लाई करेंगे। अगर आप जनरल ओबीसी है तो आप लोग 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड बात किया जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आप लोग देख सकते हैं फॉर ऑल कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा, फीमेल के लिए 157, नॉर्मल 8 सेंटीमीटर, एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर। ये है ऑल कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया। इसमें हाइट में छूट मिलेगी आप लोग को। अगर आप मराठा से कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल कश्मीर, लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, गोरखा से, तो आप लोग हाइट में छूट मिलेगी। अगर आप लोग ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर है आप लोग हाइट फीमेल के लिए, 155 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखा, डोगरास, मराठास एंड आसाम से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को ये हाइट में छूट मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे पीएसटी का जो यहाँ पे नोटिस हमें जारी किया असम राइफल ने। उसके बाद पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट में फिट है तो आपके लिए रैली के लिए बिठाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का रैली होगा, उसके बाद फिर से आप लोग डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप लोग को सब दिया यहाँ पे नोटिस किया, क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक किया जाएगा, हर एक नोटिस आप लोग क्लियरली दिया है इस पोस्ट में और इस नोटिस में। अगर आप इस फोर्स में जाना चाहते हैं तो आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए। आपने जो कष्ट और मेहनत की सर्टिफिकेट पाने के लिए, वो मेहनत रंग लाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस फोर्स में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।